ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे योर ड्राइंग टॉपिक इज़ पैटर्न डिज़ाइन। इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ पैटर्न विद द हेल्प ऑफ स्केल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस। बेटा आपको एक टू रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करने हैं। Like this. This is your first rectangle box. You have to draw one more. Wait a minute. You have to draw one more rectangular box for pattern design. Like this. Okay, so this is your first and this is your second. Now I'm going to start designing. So this is your pattern design. First design is you have to draw a leaf drawing. So you have to draw first of all. You have to draw a leaf drawing, leaf like this. Then okay, आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटा। नाउ यू हैव टू ड्रॉ फ्लावर, देन यू हैव टू ड्रॉ स्मॉल सर्कल लाइक दिस। नाउ यू हैव टू ड्रॉ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक दिस। Okay, so now you have to draw one more flower here with the same petals. Now the second bale आपको जो निकालनी है बेटा वो इस वाले flowers से निकालनी है। Then you have to draw again line like this. And you have to repeat this pattern in whole pattern drawing. Okay, आपको जो ये वाला जो pattern है बेटा यही आपको आगे continue करना है, यही design. Okay, यहाँ से आपके फ्लावर्स के लिए लाइन निकली एंड देन यू हैव टू ड्रॉ ठीक है। और यहाँ पे एक और फ्लावर
ओके, उसके बाद सेम फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इसे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको कंटिन्यू करना है इसी डिज़ाइन को। आपको सेम ऐसी सारी डिज़ाइंस को कंप्लीट करना है। ओके, आपको ऐसे पैटर्न डिज़ाइन बनाना है। फिर यहाँ से आपको इसे कंटिन्यू, जैसे आपने नीचे ही किया है अभी, ठीक है। तो आपको इसको ख़त्म कर देना, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट ड्राइंग, नेक्स्ट पैटर्न डिज़ाइन है वो ये है कि आपको यहाँ से लीफ स्टार्ट करनी है बेटा। तो आपको सबसे पहले एक आपको ज़िगज़ैग ड्रॉ कर लेना है, थोड़ा इसमें आपको अनजानी होगी। लाइक दिस, ठीक है। अब इस ज़िगज़ैग की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है। पहले आपको यहाँ से ऐसे स्टेम निकालनी है। अब इसी जो आपने ज़िगज़ैग बनाया है इसी के ऊपर से आपको लीफ निकालनी है ज़िगज़ैग वाली, ठीक है। अब ये जो लाइन है बेटा आपको इसे डबल करते रहना है और, ठीक है। अब आपको यहाँ से ऐसे कर्व निकालना है और यहाँ से एक आपको लीफ निकालना है लाइक दिस, और यहीं से आपको एक इसे आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं बेटा, यहीं से एक लीफ निकालनी है बेटा। ठीक है, मैं ये ऊपर वाली थोड़ी सी लाइन इरेज कर रही हूँ और हम इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं पैटर्न के डिज़ाइन के लिए। उसके बाद यहीं से इसको कंटिन्यू करना है थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, ये आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए था। लेकिन यहाँ से और यहाँ से भी आपने ठीक है, अब आपने ये किया। अब इसके जो आपने यहाँ से लाइन ली थी इसको आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, अब आपने आगे एक लीफ निकाली लाइक दिस, फिर इसे लीफ से आपने इसको इसे कंटिन्यू किया और यहाँ नीचे ले आए इसे,
और जब आपने इसको कंटिन्यू किया तो यहाँ से आपको इसे डबल करना है, और डबल करके इसे नीचे लेके आना है लाइक दिस। और यहाँ से भी आपको एक और लीफ ड्रॉ करनी है लाइक दिस। उसके बाद नीचे से आपने, अब यहाँ से आपने ड्रॉ करना है सेम पैटर्न आपको ड्रॉ करना है बेटा। Like this, और यहीं से आपको यहाँ से अब इसके आगे से आपने सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया इसको नीचे लेके आना है, और यहाँ से ये डबल जब भी नीचे आया बेटा यहाँ से आपको ऐसे लीव्स निकालनी है सेम, और यहाँ से ये हो गया आपका कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू करोगे तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा बेटा। तो ये हो गया आपका पैटर्न डिज़ाइन। अब इसमें जो बेसिक, अब इसमें बीच बीच में यहाँ फ्लावर्स हैं तो हमें वो फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे जो ये बहुत छोटा है ठीक है, आप यहाँ पे फोर पेटल्स का फ्लावर बनाइएगा, 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है। यहाँ भी 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है। फिर यहाँ भी 1, 2, 3, 4 यहाँ भी 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बेटा बेल्स में यहाँ से एक फ्लावर निकल रहा है, आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। यहाँ से भी और यहाँ से, तो यहाँ इतना ही आएगा ठीक है। तो आपके जो दोनों डिज़ाइंस हैं वो हो गए कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउटलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्केच पेन। सो इस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ आउटलाइन ओके। ओके तो ये आपके मैं आउटलाइन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। यू हैव टू फिल यू हैव टू ड्रॉ आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्केच पेन एंड वेरी नीट एंड क्लीन।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। आउटलाइन ड्रॉ आउटलाइन वेरी केयरफुली। ओके, यू हैव टू ड्रॉ अ आउटलाइन विद वेरी केयरफुली बेटा। ओके, ओके, तो ये जो आपका जो आपकी ड्रॉइंग है वो हो गई कंप्लीट। नाउ यू हैव टू इरेज एक्स्ट्रा ऑल लाइंस लाइक दिस एंड यू हैव टू फाइनलाइज योर लाइंस।
ओके, तो योर पैटर्न ड्रॉइंग इज रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कलरिंग. हेयर आई एम यूजिंग अ स्केच कलर्स. यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कलर, ओके, बट आई एम यूजिंग हेयर स्केच कलर्स. सो इफ यू पॉसिबल, इफ पॉसिबल देन प्लीज पिक स्केच कलर्स. इफ यू डोंट हैव स्केच कलर, डोंट वरी, यू कैन यूज ऑयल पेस्टल कलर, पेंसिल कलर और एनी अदर कलर विच यू हैव. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कलरिंग इन फर्स्ट पैटर्न. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ, टेक अ डार्क डार्क ग्रीन एंड यू फिल हेयर. You have to pick a dark green color in sketch color and you have to fill here. Okay. Okay, now you have to fill dark green color here also. You have to fill dark color here. Okay. Here also. And here also. Okay, now you have to pick a light green color and you have to fill in whole leaf like this. You have to fill light green color in whole pattern of whole leaf of pattern. जितनी भी leaves हैं आपकी बेटा pattern के अंदर आपको वो light green से fill करनी है like this. Okay, and here also you have to fill this leaves also with the light green. Okay, so now I'm going to pick a yellow color for flowers drawing. So you have to pick yellow and brown for flower coloring. You have to fill brown in center
here like this. Okay, you have to fill brown color here and yellow color in flowers like this. You have to fill yellow color in flowers like this. You have to fill very carefully. Again, I am repeating that I am here using sketch color. You can use any type of color which you have. It is oil pastel, it is pencil color or any color you have. But here I am using sketch colors. Okay. Okay, so your first pattern is ready now. Okay, next pattern you have to pick pink color and you have to fill in flowers. And you have to fill only in petals. The center part is empty because center part is white already. Okay, okay. उसके बाद next is okay next. Okay, now you have to pick again light green color and you have to fill here. Okay, so your board pattern design is complete. Your pattern design drawing is complete now. If you want to color black or if you want to draw color, so you can draw a fill black color here also for a different shade of this. Okay, with the help of sketch pen or if you want you can use any color. Okay, like this.
ओके, यू कैन रिपीट दिस लाइन हेयर ऑल्सो. ओके, सो नाउ योर पैटर्न ड्राइंग इज कंप्लीट.